झाबुआ के विधायक विक्रांत भूरिया से की बात, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि प्रबोधन कार्यक्रम के बारे में कहा। दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम था, जिसमें नव निर्वाचित जो विधायक हैं उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा था। बड़े बड़े जो राजनीति के जानकार थे और खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी भी मौजूद थे, और बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से आपके प्रश्न लगाना चाहिए, किस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए और आपके क्या क्या अधिकार हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी मिली है और हम हमेशा करते हैं कि उसका उपयोग करके हम जनता के मुद्दों को बढ़ चढ़ के सदन में रखेंगे। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर भी बात की। मैं इस वक्त मौजूद हूं विधानसभा में, जहां पे दो दिन से लगातार प्रबोधन कार्य जारी है। इस वक्त हमारे साथ झाबुआ के विधायक विक्रांत भूरिया जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि प्रबोधन क्या था। दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम था और इसमें जितने भी नव निर्वाचित विधायक हैं उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा था। बड़े बड़े जो राजनीति के जानकार थे, बहुत लंबे समय से सांसद रहे हैं, बहुत लंबे समय से विधायक रहे हैं, खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी भी यहाँ पर आए थे, तो ये काफ़ी कुछ सीखने मिला है। किस तरह से आपको प्रश्न लगाना चाहिए, किस तरह से अपने बात रखना चाहिए, आपके क्या क्या अधिकार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी मिली है और उम्मीद करते हैं कि हम लोग उसका उपयोग करके जनता के मुद्दे बहुत बढ़ चढ़ कर सदन में उठाने का काम करेंगे। देखिए, उसमें दो सवाल हैं। ये जो राशि दी गई है कर्ज लेकर दी गई है, कब तक कर्ज लेने वाले हैं? वैसे ही मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ का कर्ज ये बीजेपी की कार्यशैली के कारण थोप दिया गया है। प्रति व्यक्ति 50,000 से ज्यादा का कर्ज है। जो रोजगार मिलना चाहिए तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। परीक्षाएं हुई हैं पर उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ गया तो उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि पहले चुनाव के समय जो लाडली बहनों को ये फायदा दे रहे थे वो 1,30,00,000 लाडली बहनाएं थी, और आज जो इनने आंकड़े जारी करे हैं वो 1,29,00,000 लाडली बहनों को दिए, तो 2,00,000 लाडली बहनें कहाँ गई? धीरे धीरे क्या है, उनको जो लोगों को दिया था, जो महिलाओं को इनने ये नारी लाडली बहना योजना का पैसा दिया था वो कम करते जा रहे हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि धीरे धीरे ये योजना को बंद करने वाले हैं। और जो 3,000 प्रति बहन का जो इनने घोषणा पत्र में भी शामिल करा था, खुद शिवराज सिंह चौहान जी ने ये बात करी थी, पर आज तक तो वो सिर्फ 1,200 रुपये ही मिल रहा है। देखिए, 38 के आसपास स्कीम्स तो ये बंद करने वाले हैं, और धीरे धीरे करकर मुझे नहीं लगता कि जो घोषणाएं करी, 450 रुपये में सिलेंडर की बात करी थी, लाडली बहनों को 3,000 रुपये देने की बात करी थी, हमारे जो समर्थन मूल्य होता है धान का वो 31 रुपये प्रति क्विंटल का भी बात हुई थी, धान गेहूं के समर्थन मूल्य को 2,700 रुपये प्रति क्विंटल की बात हुई, तो इनमें से तो कुछ भी पूरा नहीं करा है। और ये चीज़ से समझ में आता है कि जो वादा इन लोगों ने भाजपा ने सत्ता में आने के लिए, वो पूरे वादों को भूल चुके हैं ये लोग। हमारे साथ मौजूद थे विक्रांत भौरिया जी, जिन्होंने हमें बताई बहुत सारी बातें कि किस प्रकार प्रबोधन कार्यक्रम हुआ। लाडली बहना पर भी बात करी गई, अन्य स्कीमों पर भी बात करी गई। आगे जानने के लिए देखते रहिए फास्ट समाचार भोपाल। मैं रिपोर्टर अमृता शर्मा साहिल खान के साथ।